अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू समीनाज़ व्लॉग। तो आज मैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं आपसे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और मटर का सीज़न भी शुरू हो गया है। बहुत बना लिए आलू के पराठे। आज मैं बनाऊँगी मटर के पराठे, जो मेरी इस चैनल पर फर्स्ट रेसिपी होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 से 3 कप आटा, और नॉर्मल जैसे कि हम आटा रोटी के लिए गूंथते हैं, बस वही नमक और आटा लेना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, और मैं 1/2 टेबल स्पून थोड़ा सा ज़ीरा भी डालूँगी। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी बेटी बेटी जो है, मैं उसकी स्टडीज़ भी ले रही हूँ, तो स्टडीज़ लेते लेते मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर कर लूँ। ये मैं रहे आटा गूंद रही हूँ। आटे को हमें ना सख्त गूंदना है। सख्त गूंदने से हमें क्या होगा, उसका जो वाइंडअप है, जो हमें पराठा बनाना है, वो बहुत ही स्टफिंग अच्छा बनेगा, बहुत ही स्टिफ बनेगा, है ना अनम। यहाँ पर अनम मेरे साथ मुंडी हिला रही है। कुछ बोलिए, आपको आपको कुछ बोलना है, सलाम करना है सबको। अस्सलाम वालेकुम। बोलो, सब कैसे हो। आपको हंसी आ रही है। ओके, यहाँ पर मम्मी क्या कर रही है, बोलो। मम्मी क्या कर रही है, ये आटा गूंद रही है। तो ये बहुत अभी फील शाय फील कर रही है, पता नहीं इसे क्या अजीब सा लग रहा है कि मम्मी मेरे से ये क्या करवा रही है। तो मैंने आटे को 10 से 15 मिनट तक ढक के रख दिया है। यहाँ पर मेरे जो आलू है वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। आप आलू या तो फिर कट करके उबालिएगा, या फिर पूरी तरह बॉईल करिएगा। इसे मैं स्ट्रेनर में पूरा अच्छी तरह से छान लूँगी, ताकि वो बॉईल पानी, जो गर्म पानी है, वो निकल जाए और आलू अच्छी तरह से सूख जाए। मटर को मैंने हल्का तेल और नमक डाल के फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में बारीक पीस लूँगी। तो यहाँ पर है जो मेरे स्टडीज़ वाले बच्चे हैं ना, तो वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं यहाँ पर कि मम्मी अब कर क्या रही है। यहाँ पर स्टडीज़ भी ले रही है और वहाँ पर वॉइस ओवर भी कर रही है। ये मेरा छोटा सा किचन है और यहाँ पर है ना, मैं सारे काम, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहीं पर होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है उसे अलग रखनी पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वटाना अभी बारीक पीसा नहीं है, आपको बीच में 2 से 3 दफ़े खोल कर मिक्सी को देखना पड़ेगा। और उसे, क्योंकि ना तेल लगा होता है तो वो काफ़ी हद तक चिपक जाता है मिक्सी में। यहाँ पर ये मेरे छोटे बेटे की आवाज़, जाहिर सी बात है वो आएगी ही, वो बहुत परेशान करता है। छोटा सा है, 2 साल का है, और उसे अगर मैं चुप सोचूंगी वो चुप रहे, तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहता है, बहुत बोलता है। ये है, मैंने कुछ क्लोव्स लहसुन के ले लिए हैं, धनिया और अदरक, बहुत ज़्यादा अदरक नहीं लेना है, और मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अनम आप पढ़ाई करो, और इसे भी बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद हम इसे ना अच्छी तरह से मिक्सी, जो स्पैटुला होता है ना, इसे जो सारे मसाले लगे होते उसे अच्छी तरह से निकाल देना है। यहाँ पर है ना, मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना रीयूजेबल में डाल देती हूँ। अगर मेरा जो स्पैटुला है ना, उसका हैंडल टूटा हुआ है, तो उसको मैंने ना स्पैटुला, जो मिक्सी में जो मसाले चिपके होते हैं, तो उसे निकालने के लिए मैंने रख दिया है। आलू अच्छी तरह से उबल गया, उसे मैंने छील दी हूँ, और यहाँ पर आटा भी काफ़ी हद तक अच्छे से सेट हो गया है। ये बाउल में ही मैं मिक्स कर लूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बर्तन ने तो निकल जाते हैं, ये सब चीज़ें बनाओ तो टेबल भी बहुत सारा बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल, और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अभी नमक नहीं ऐड किया है, नमक मैं थोड़ी देर में ऐड करूँगी। आ जाए यूसुफ, इधर आओ आओ, यहाँ पर देखो मम्मी क्या कर रहे हैं, इधर आओ। यहाँ पर मेरा छोटा बेटा आ गया है मेरे साथ वॉइस ओवर करने के लिए। मम्मी यहाँ पर क्या बना रही है, ज़रा आप बताएंगे। मम्मी यहाँ पर क्या बना रही है, आटा, बोलो आटा, बोलो पराठा बना रही है मम्मी, बोलो पत्ता मलाई। हाँ, छोटा, ये भी छोटा बेटा ना, 2 साल का है, तो बस बोलना सीख ही रहा है। तो अब ये मेरा तवा भी मैंने रख दिया है गैस पर, और ये मेरा पाटला, क्या बोलते इसे, पाटला बोलते हैं, करेक्ट, मैं यहाँ पर पीड़ा बेलन बोलती हूँ, पीड़ा आप लोग जो भी बोलते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया है बड़ी सी लोई, और साथ ही मेरा बेटा भी देख रहा है, क्योंकि ये पराठे का बहुत बड़ा शौकीन है। तो पराठा मैंने ले लिया है गोल गोल, इसे बनाना है बॉल की तरह, है ना यूसुफ।
पराठा यूसुफ को भी अच्छा लगता है ना। क्या खाया आपने आज सुबह? पराठा, बोलो पराठा। हाँ, पीछे से अनम आवाज़ दे रही है कि पराठा खाए। तो इनका सुबह का ब्रेकफास्ट तो यही होता है। अभी यहाँ पर मैंने इसे ना अच्छी तरह से राउंड कर लिया है और इसे मैंने स्टफिंग को याद रखे कि बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। अगर ज़्यादा भरेंगे ना तो फिर वो बाहर आ जाएगा और वो जो पूड़ी जो बनेगी ना वो फूट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से क्लोज करके सील कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से हल्के हाथ से बेल लूँगी। आटा अगर आपने गीला सान लिया है तो कोशिश करिएगा कि आप इसे सूखा आटा डाल के उसे कड़क कर लीजिएगा, क्योंकि फिर अगर गीला होगा ना तो फिर काफ़ी स्टफिंग बाहर आ जाती और वो ऐसा गोल नहीं बनेगा। देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है, बहुत अच्छी तरह से राउंड बना है। बोलो क्या कर रही मम्मी यहाँ पर, क्या बना रही? पानी डाले? नहीं, यहाँ पर मम्मी ने ऑयल डाली है, क्योंकि यहाँ पर मेरा लोहे का तवा है तो मैंने यहाँ पर ऑयल डाली हूँ। और लोहे का तवा होता तो थोड़ा सा हमें इसे थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ता है। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो कोई बात नहीं, नॉनस्टिक में तो ईजिली बन जाता है, बट मैं नॉनस्टिक ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखाऊँगी और उसी वही आपसे शेयर करना चाहूँगी। और आपको क्या बोलना है यूसुफ, आपको आपसे कुछ बात करनी है? क्या बोलना है आपको? अल्लाह अकबर करना है? हाँ ठीक है, पराठा 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 ही बन रहा है और वीडियो में भी पराठा ही बन रहा है, सुबह नाश्ते में भी पराठा ही खाया गया है। तो इनके मतलब इनका तो फेवरेट है, बहुत बहुत ही फेवरेट है नाश्ता, चाय पराठा, आलू का पराठा, मेथी का पराठा। ओ माय गॉड, बहुत सारे पराठे बनते हैं और इनको सभी पराठे बहुत पसंद है और ये चाय के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन्हें सॉस या केचप ये सब चीज़ें पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मतलब पराठे से नहीं पसंद है। और यहाँ पर जो मैं स्टडीज़ ले रही हूँ तो ऑलमोस्ट स्टडीज़ के साथ साथ मुझे जो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है ना, तो बीच में बच्चों की आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए स्टफिंग मेरा एंड तक बाहर नहीं निकला था। और आलू हमें अच्छे से भी डालना है, क्योंकि आलू जो है ना उसे मटर के दाने को उनके पार्टिकल्स को वो पकड़ के रखता है। ये शाइस्ता को मैंने हैंड ओवर कर दिया है नाश्ता, सुबह का दो पराठा। एक तो स्टफिंग मैंने आपको पोटली वाला बना के बताई थी, अब ये जो है ना डबल रोटी में बनाते हैं। छोटी छोटी सी पूड़ी जैसी रोटी बेल लेनी है और इसे स्टफिंग को साइड में स्प्रेड कर लेना है और ऊपर से दूसरी रोटी उसको स्टिक कर देना। अच्छे से प्रेस करने के बाद इसे हम फिर से बेल लेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। क्या हुआ है यूसुफ, आपको क्या चाहिए? इधर आओ, आप इधर आओ। तो यहाँ पर मैं इसे भी अच्छी तरह से बेल लूँगी इसे ना यहाँ पर। तो ये बहुत मस्ती करता है यूसुफ यहाँ पर। मेरा तो वॉइस ओवर हो ही नहीं पा रहा है, फिर भी मैं कैसे कर रही हूँ। ये मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है और पता नहीं आप लोग पे कैसा इम्प्रेशन पड़ेगा मेरा। तो खैर मैं कोशिश करूँगी कि मेरे बच्चे जो है आजू बाजू वो तो रहेंगे ही, क्योंकि जो छोटे हैं वो अभी इसके लिए तो वो तो आस पास ही रहते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये रोटी फूल गई थी। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि आपको मेरा वीडियो अभी तक का कैसा लगा, और जैसे भी लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो भी आप मुझे जी, आपका कंपास इधर ही है बैग में। तो यहाँ पर है ना मुझे थोड़ा साथ में सब चीज़ें देखनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा स्टफिंग है ना एक पराठा बनाने के लिए टिफ़िन के लिए मैंने रख दिया है, और ऑलमोस्ट मैंने किचन का काम भी क्लियर अप कर दिया था सारा कुछ। पराठे सारे बन के रेडी हो गए थे। हाँ ये शाजिया पी वाला है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेडरूम में, फिर से मेरे रूम में आ गई हूँ और बच्चे जो है तो पढ़ाई कर रहे हैं। और जो यहाँ पर अनम भी मेरे साथ वॉइस ओवर करने के लिए बैठ गई है ना। अनम सबको सलाम बोलो फिर से। सलामकुम। सब कैसे हो बोलो, सब कैसे हो? हाँ तो यहाँ पर अनम जो है मेरे साथ छीमी जो वटाना है उसे वो बीन्स निकाल रही है, उसके पीसेस निकाल रही है। और ये जो है ना यूसुफ यहाँ पर जो बैठा है तो वो भी आ गया है डिस्टर्ब करने हमें, वो तो खेलने में ही लगा है, उसे छीलने नहीं आता है अभी फ़िलहाल। यहाँ पर मेरे पास शाजिया मेरी बेटी भी आ गई है, तो ये भी सलाम कहना चाहती है आप सभी को। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम।
बोल पूछिए सब कैसे हैं आप सब। आप कैसे हैं? क्योंकि आप अभी किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन आपको सभी लोग थोड़े थोड़े करके थोड़े कुछ दिनों में जानेंगे ज़रूर। तो ये सबको हाय भी कर रही है, और ये देखिए अनम भी हाय कर रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा मेरे बच्चों के साथ। और ये नोकझोंक मेरी इनके साथ ना चलती रहती है, इतने परेशान कर रहे थे जब मैं वटाना छील रही थी। तो ये 2 किलो वटाना था, तो मैंने सोचा कि पूरा इसे छील कर इसे फ्रिज में रख देती हूँ पॉलीथिन में डाल के। तो अगर आपको ये ना फ्रीज़र में रखना है बहुत टाइम के लिए स्टोर करना है, जैसे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए स्टोर करना है, तो आप इसे ज़िपलॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल बाहर फ्रिज में जहां हम सब्जियां वगैरह रखते हैं वहां नहीं रखना है, हमें इसे फ्रीज़र में स्टोर करना है। तो इसी तरह से मेरे सारे बच्ची में छिल चुकी थी, और इनके तो इन्होंने तो कुछ हेल्प नहीं की थी कुछ खास, इन लोग सब बीच में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। और यहाँ पर जो है ना इनके हाथ पैर भी दुखने लगे थे, कैंडीज़ खाने चले गए थे इनको, ये छोटी छोटी कैंडीज़ जो होती है ना शुगर कैंडीज़ सौंफ के साथ जो होती है वो खाने चले गए थे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में फिर से, और किचन में मैंने एक पॉलीथीन ले लिया था जिसे मैंने स्टोर कर लिया है अच्छे से, देखिए अच्छे से रैप करके मैंने स्टोर कर लिया है। तो इसी तरह से आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और मुझे आप लोग के प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बच्चों के साथ मेरा व्लॉग ज़रूर इंजॉय करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, टिल देन के लिए अल्लाह हाफिज़।